अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेके आए नारियल बर्फी, और नारियल बर्फी आप कभी भी बना सकते हैं, कोई भी त्यौहार आए उसमें बना सकते हैं आप लोग। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ेगा। देखिए, नारियल है 5 कप और 2 कप चीनी है, और ये आधा कप मिल्क पाउडर। आइए बनाते हैं। देखिए, हमने ये कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें हमने 100 ml पानी डाला है इसमें, और इसमें हमने चीनी डालना है। ये चीनी डाल देंगे इसमें, हम चीनी को मिक्स करेंगे। चीनी जो है मिक्स होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी, इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अंदर नीचे सट ना जाए, क्योंकि नीचे जो है चीनी जलने लगती है जल्दी से, इसलिए आप इसको थोड़ा सा चला लीजिए, थोड़ा मेल्ट हो जाए, उसके बाद ही छोड़िएगा इसको। देखिए, चीनी हमको इतना पकाना है कि एक तार की चाशनी बनाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना, बस थोड़ा सा, जैसे ही एक तार की चाशनी हल्की सी बनने लगे बस फ़ौरन इसमें नारियल डालना है। ये देखिए, अभी तैयार नहीं हुई है इसलिए और इसको थोड़ा पकाएंगे। पक जाने के बाद थोड़ा, एक तार की चाशनी बस बनने लगे हल्की, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी है इसको। देखिए, ये चाशनी हो गई है, ये देखिए हल्की सी चाशनी हुई। अब इसमें हम नारियल डालते हैं इसी में। ये देखिए, मिल्क पाउडर भी डाल देंगे, तो इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा देर और पकाएंगे। इसमें देखिए, 1 चम्मच हमने 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है। अब इसको भी मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके और थोड़ा चला देते हैं बस थोड़ा सा, जैसे ही ये सूखने लगेगा बस इसको हम जमा देते हैं। देखिए, ये मिक्स हो गया, अब इसको हम लोग जमाते हैं। पहले हमने देखिए, इसमें इसको हो गया, बंद करते हैं हम लोग इसको। इसमें हमने 1 चम्मच घी डाल के नीचे हमने मिला लगा दिया है। अब इसमें जो है, इसी में हम निकालते हैं, इसको जमाते हैं। आप किसी भी बर्तन में जमा सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, हमको इसी में जमाना है तो हमने इसी में जमा दिया है, कर दिया। और इसमें जो है, आप 1 चम्मच देसी घी, वो बर्फ़ी के उसमें मिक्सर में 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिएगा। अब इसमें हमने मिला दिया है घी, अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसको जमाते हैं। अब इसको देखिए, इसको ऐसे प्रेस कर करके आप इसको एकदम बराबर कर दीजिए ऊपर से, खूब अच्छे से दबा दबा के, और इसको 1 घंटे के लिए आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद ही आप इसको काटिए, कटिंग करिएगा इसको 1 घंटे के बाद। इस पर हम थोड़ा चांदी का वर्क लगा दें। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकती हैं इसके ऊपर, आप इसको इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकती हैं, चांदी का वर्क आपको पसंद हो तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए, हमने इसको चांदी का वर्क लगा के इसको जमा के रख दिया। अब थोड़ा ये ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, तो उसके बाद कटिंग करते हैं। देखिए, 1 घंटा हो गया, इसको हमने कट कर लिया है। अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। देखिए, इसको हमने निकाल के सर्व किया है, कैसा लगा आप बताइएगा, बनाइएगा और हमको कमेंट करिएगा। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।